गाइस, मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इस वक्त वेटिकन सिटी रोम से बोल रहा हूँ। दुनिया में पोप की सत्ता का मुख्य केंद्र वेटिकन सिटी रोम, इसे कंट्री विद इन द कंट्री भी कहा जाता है। ये सामने जो टोम दिखाई पड़ रहा है, ये पोप का शाही महल है, पोप का शाही निवास स्थान है। 16वीं शताब्दी में कैथोलिक चर्च ने सारी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष पोप की अनुमति के बिना राज्यारोहण ग्रहण नहीं करते थे। पोप दुनिया भर के ईसाइयों का मुखिया था और आज भी है। पोप का राज्यारोहण या पोप का मनोनयन एक बहुत बड़ा आयोजन होता है दुनिया भर के ईसाइयों के लिए। कैथोलिक चर्च के मानने वाले इस स्थान को अपना पवित्र स्थान मानते हैं और यहाँ उनका सबसे बड़ा चर्च भी है। हज़ारों की संख्या में प्रतिवर्ष दर्शक यहाँ आते हैं। इस वक्त भी हज़ारों लोग दिखाई पड़ रहे हैं और कोविड के बाद इटली का जो कायाकल्प हुआ है, इटली में कोविड को जिस तरह से भगाया है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ मौजूद हज़ारों की संख्या में लोग हैं। और मेरे पीछे ये रोम का मुख्य बाज़ार है जो वेटिकन सिटी के ठीक सामने दिखाई पड़ रहा है। इस छोटे से देश को, जिसे दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है, इसका एरिया है 0.44 वर्ग मील। ये बैरिकेड्स जो लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इस बैरिकेड से चारों तरफ, उस तरफ सामने के हिस्सा 0.44 स्क्वायर माइल्स है। और ये इस वेटिकन सिटी जहां पोप की सत्ता चलती है, पोप का राज्य स्थापित है, ये सबसे छोटा देश है, इसीलिए से कंट्री विद इन द कंट्री कहा जाता है। इटली जैसे देश में एक छोटा सा देश राजधानी रोम में स्थापित है, ये अपने आप में सुनकर ही अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। यहाँ का पूरा नियंत्रण पोप के अधीन है, यहाँ का ध्वज पोप का ध्वज है और इटली के नियंत्रण से ये पूरी तरह से मुक्त है। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, वेटिकन सिटी, रोम, इटली से।